आइए आईपीएससी नामकरण में आईयूपीएससी नामकरण की प्रक्रिया में हम लोग सीधे सीधे ये एल्केन था, ये एल्कीन, ये एल्काइन, ये एल्कोहल और ये एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये कीटोन और एल्किन, यही तो लिखना था क्योंकि वो सब नहीं हो रहा, कीटोन का बस यही था और कोई कंपाउंड था, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हो गया खत्म। इतना हम लोग पढ़े हैं और इतने कहा हम लोग, ये जब एल्केन है तो इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ए, इसमें क्या जोड़ते हैं, ई, आई, आई, आर, अल, वही कम है, ओन, मरे, ठीक है। सूत्र इसका होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन और सी एन एच टू एन माने एल्किन में दो जोड़ देंगे, एल्किन में दो छोड़ देंगे और एल्काइन में दो, इसका ये सब भैया है सर। और आर्क के बारे में आपको बताया था कि आर्क मतलब क्या, तो सी एच थ्री, सी टू एच फाइव और सी थ्री एच सेवन, डॉट 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 डॉट। अब तक हम लोग कोई संरचना बनी होती थी उस संरचना का हम नाम लिखते थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, लिखते थे नाम लिखते थे। बट अब क्या करेंगे, नाम लिखा रहेगा उसका मुझे संरचना बनानी है। जैसे लिखा है आपका पहला क्वेश्चन ये लिखा है एन पेंटेन को बनाइए, एन पेंट के एन पेंटेन का संरचना सूत्र बनाइए। तो जिस तरह नाम आगे से लिखते थे उसे संरचना पीछे से बनाएंगे। सर इसे पेंटेन लिखा है इसका मतलब यही वाला पार्ट है, पेंटेन का मतलब होता है पांच कार्बन होंगे, सभी लोग पता होगा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1, C8, C8, C9, C10, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन हेक्स हेप्ट ऑफ नोन डेट। पांच अगर पेंटेन लिखा है तो इसके लिए हम लोग पेंटेन मतलब होता है पांच, पेंटेन मतलब होता है एक, दो, तीन, चार और एक पांच। अब बिना कहे सुने हर जगह आप लोग सिंगल बॉन्ड लगा दिया करिए, क्योंकि बिना सिंगल बॉन्ड के लगे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, बिना डबल बॉन्ड के बने सिंगल बॉन्ड अरे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता। बिना सोचे समझे हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, अगर डबल बॉन्ड के लगने रहेगा तो लगाएंगे, नहीं लगने रहेगा तो अब जब क्योंकि मुझे पता कि पेंटेन ही है, एल्केन ही है, तो हर जगह क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, हर जगह सिंगल होगा और बैलेंसी करने की हम लोग हाइड्रोजन से, मुझे पता होता जाना चाहिए कि सी में चार गो बैलेंसी होती है, चार से होता है तो चार गो बॉन्ड बनाता है, हर जगह चार गो जोड़ दीजिए जहाँ जैसे जरूरत पड़ती। इसमें एक गो बॉन्ड बना है तीन गो जोड़ दीजिए, तीन गो चार हो गए, तीन चार, इसमें कितना जुड़ा है दो, दो ही जुड़ा है किधर से दो, इसमें इसमें दो तो जुड़ा है इधर जोड़ दीजिए, इसमें दो जुड़ा है इसमें जोड़ दिया, इधर कितना जोड़ेंगे तीन, कोई दिक्कत ये हो गया एन पेंटेन, ठीक है। कहीं सवाल लिखा है कि दो पे क्लोरो और तीन पे मेथिल, तीन पे मेथिल और लिखा है ऑक्टेन, क्या लिखा है ऑक्टेन, सीधे सीधे बना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे बनाए चाहिए ऐसे बनाइए, लेकिन अभी आप लोग मुझे लगता है रेखी नहीं बना सकती, भले वो बनाते कितने का आकार बने पीछे से लिखेंगे, आठ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 4 6 8 आठ ऑक्टेन हो गया। इसमें तीन पे मेथिल आप जौने से मन कर तौने से गिनती करो, घर से मन कर उधर से गिनती करके, इधर से मन कर इधर से गिनती करके, किधर से लिखना चाहेंगे इधर से लिख लो, 1 2 3 पे क्या लगा दें हम लोग मेथिल, मेथिल का मतलब था सी एस, और 2 पे क्लोरो असर से क्लोरो बात खत्म। अब बैलेंसिंग पूरा करना आप लोग का धरना पूरा करेंगे, ए को लगा है आपने तीन को लगा चार हो गया, एक दो तीन चार हो जाएगा, एक दो तीन चार हो जाएगा, एक दो सी एस टू लगा देंगे, 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 यहाँ पे है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है ऑक्ट थ्री इन, लिखा है टू ब्रोमो, टू ब्रोमो ऑक्ट थ्री आप थ्री, इसका मतलब कितने कार्बन है आठ, आठ का मतलब होता है आठ, मतलब होता है आठ,
एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक टू पे ब्रोमा टू पे बी आर लगाइए टू पे ब्रोमो हो जाएगा आराम से। और मुझे पता है कि तीन पे इन है वन टू थ्री यहाँ पे वैलेंसी आपको पता है यहाँ पे सी एस थ्री लग जाएगा ए सी एस थ्री हो जाएगा ए सी एस टू हो जाएगा 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 यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखें दो एक तीन पूरा हो गया इसका एक गैस लगा देंगे यहाँ पे देखिए दो एक तीन यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे तीन को पूरा एक लगा देंगे है ना। आगे चलते हैं बेटा है ये हम एल्केन का और एल्किन का एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं ठीक है। अब एग्जाम्पल एल्किन का लेते हैं जैसे लिखा है तीन साइनो तीन मेथिल हेप्ट टू का फोर डाई इन ये लिखा है पेपर में आगे लिख के ठीक है। और इसका मुझे बनाना है क्या स्ट्रक्चर मुबा भाई हाँ मुबा के करके मक्खी घुस जाएगी ठीक है। आप कितने कार्बन लिखा है एक सात को कार्बन बिना आप बिना सोचे समझे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन बनना दो चार एक सब को बना दीजिए। अब देखिए तीन पे सानू लगा तो वन टू थ्री पे सानू लगा दिए ठीक है। तीन पे मेथी लगा तीन पे मेथी लगा दीजिए फिर मेथी लगा दीजिए दो पे क्या लिखा है और चार पे डाई इन है दो पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ये हो गया क्या गलत इसलिए हुआ कि इस कार्बन के पास देखिए दो तीन चार और एक पांच इसका मतलब इस सवाल क्या है इसका भी ध्यान मुझे देना है पता थोड़ी तब बनते होगा वो ठीक है ना। चलिए क्या हो गया अरे तो तीन धारणा है चलिए आगे देखिए लिखा है वन कमा वन कमा वन कमा वन टेट्रा क्लोरो मेथेन इसका मतलब ये है कि मेथेन लिखा है कितने कार्बन होंगे यार एक कार्बन होगा मेथेन कितने कार्बन एक और एक ही पर सीएल लगा है एरोसीएल हो गया वन 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 टेट्रा क्लोरो ट्राई थोड़ी लिखा टेट्रा लिखा है ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है ना। कभी कभी कहता है एथेन का बने किसी कई तरीके से एथेन बना सकते देखिए अगर एथेन मान लीजिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ एथेन एथेन का मैं ऐसे लिखता हूँ एथेन का सूत्र होता है C2H6 दूसरा क्या पूछा ये एथेन इसको एथेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री ये भी एथेन है। एस एथेन को कहीं कहीं ऐसे भी लिखाता है यच इधर छितिरा के लिखता है तो उससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। छितिरा के लिखता है तभी बात हो ये जे यही है और जे यही है और ये यही है वो अलग है अलग है तो चल रही। चलिए एल्केन और एल्किन थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जान पा रहे हैं चलिए एल्काइन वाली बात करते हैं। लिखता है प्रोपाइन क्या लिखता है प्रोपाइन तो प्रोपाइन का मतलब होता है पांच कार्बन कितने कार्बन मुंह खूब हिला रहे हैं पांच कभी सही पांच कभी सही नाश्ते नाश सूस की तरह पढ़ना है ना सर जो पढ़ा रहे हैं सब यस सर समझ में आ रहा है यस सर आप पढ़ जाए यस सर मुंह में डंडा डाल दीजिए यस सर पीछे से मार ले यस सर मार
लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बस मोह करने आता है। अरे यार पढ़ लो, मारते मारते दुख जाएगा पीछे से तुम्हारा। प्रोपाइल का होता है मेथ एथ प्रो, कितने कार्बन? आई लिखा है, आई का मतलब था ट्रिपल बॉन्ड, मौसा लिखा है पहले से ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दे। हाँ कहीं लगा दे, यहाँ पे कितने हाथ लगाएंगे? तीन गो हाथ लगाएंगे। चलिए खड़े जाइए आप, यहाँ पे कितने ऐसे लगाएंगे? एक यहाँ पे तीन गो, बढ़ जाइए इधर, जो बोल रहे तीन गो उनको बन जाएंगे भी ना, बच्चे तो बैठे रहे सी एस थ्री, ठीक है। चलिए आगे सवाल लगाते हैं हम लोग, लिखा है हेप्टो थ्री कामा टू डाई डाई आइन डाई आइन, तो डाई आइन लिखा है, हेप्ट में सात कार्बन, तीन चार पाँच छ और एक सात, दो चार दो छह एक सात, सात को कार्बन हो गए, तीन और दो पे क्या लगाना? आइन, एक दो तीन पे हम आइन लगा देंगे और दो भी आइन लगा दे रहे हैं, दो भी आइन अपूर्ण हो जाएगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड वाले साथ साथ नहीं आ सकते, है ना? है ना? अरे यार आ रहे तो इसका तो बत्ता छूट जाएगा, तो ये क्या करें, कितना बॉन्ड घुसा रहे हो हमको, चार ही बॉन्ड लाए भैया, तो छह छह बॉन्ड बनवा रहे हो, चढ़ा जाएगा ये कार्बन से हीरा बन जाएगा। और हीरा ठाकुर क्या करता है? हीरा चमकता है। फिर कुछ आगे सवाल लिखते हम लोग और बात भी करते हैं। देखा ब्यूट वन इन थ्री आइन, ब्यूट वन इन थ्री आइन, ब्यूट कौन होता है? चार, एक दो तीन और चार, वन पे इन, इन का मतलब डबल बार, वन पे डबल बार लगा दी, कितने पे आई? तीन, एक दो तीन, कोई दिक्कत? मान लीजिए आप चलते हैं एल्कोहल की तरफ, चला जाए क्या एल की लड़ाई की तरफ, चलिए क्या? अरे यार एच तुम सब लगा लेना, चलिए थोड़ा सा अनुपात में करते हैं, टू मेथिल तीन एथिल ब्यूटेनॉल, लिखा है टू मेथिल टू ब्रोमो, टू मेथिल टू ब्रोमो टू फ्लोरो, गड़बड़ा जाएगा ना, क्लोरो क्लोरो, ठीक है। हेक्सेन क्या? हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल नहीं, हेक्सेन हेक्सेन थ्री आल, हेक्सेन थ्री बनाते हम लोग, ठीक है। थ्री कितने कार्बन है? सिक्स, वन टू सिक्स, वन टू फोर टू सिक्स, ठीक है। सिक्स इधर देखो, तो टू पे मेथिल लगा लो, है ना, फाइव आठ पे ब्रोमो लगा लो, एक्स हो गया, एक्स थ्री पे आल, वन टू थ्री, कोई दिक्कत है? नहीं हो जाएगा। यच हम लोग कवर, यहाँ पे तीन का लगेगा, दो को लगेगा, दो को लगेगा, एक को लगेगा, एक को नहीं लगेगा, तीन को लगेगा, कार्बन को बस चार को की जरूरत है, छह छह को मत पहना देना उसको, बोलिए नहीं तुम मत बोलो, छोटा उल्टा सीधा बोलेगा, आए में लगे बोलो, चलो बोलो देखिए, अब थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं आगे, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं
चुप रहो चुप रहो जीवित करो आप आप तीन कमर चार डायोल तीन कमर चार डायोल है ना। कितने कार्बन है छह आठ नहीं आठ आठ कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 सेवन और एट। अब मैं क्या कहूँ टू पे ब्रोमो ला दें टू ब्रोमो तीन क्लोरो और क्या तीन बार तीन चार डायोल तीन पे भी चार पे और यह हो गया मेरा नाम। बोल आसान है ना। चलिए एल्डिहाइड का भी लेते हैं। एल्डिहाइड का बड़ा मस्त काम है कि एल्डिहाइड हमेशा किनारे रहता है। कहाँ रहता है किनारे। वही को मैं कहा था किनारे पिट्रोल कहाँ रहता है बीच में। ये यार एल के लिए बचा एल के लिए आए बचा ना एल्डिहाइड का लिखता है सात ब्रोमो आठ तीन साइक्लो प्रोपाइल तीन साइक्लो प्रोपाइल हेप्टेनल हेप्टेनल मतलब सात कार्बन दो चार पाँच छ एक सात दो चार छ एक साइक्लो प्रोपाइल होता है सही हो जाए साइक्लो होगा साइक्लो है ना। और हेप्टेनल है इसे तू लगा लीजिए है ना। इसको बीच में लगा सकते हैं गलती एक सही है गलत है चुट्टा कहीं का एक कॉलर पे जा रहा है जब नहीं हो जाए तो ये लगा दोगे किसी तक लस लगाइए तो आपको दस लगाए तब यहाँ लगाना पड़ेगा यहाँ नहीं यहाँ लगाना पड़ेगा। गिनती जहाँ सी एच ओ होता है उसी कार्बन से प्रारंभ करते हैं है ना। चलिए आगे देखिए मिर्चा है वही कम था यार कर लेना वही कम लगता है जैसे इस तरह सभी लोग चलो एक एक की लड़ाई कर लेते हैं कर लेते चलो यार टू पे क्लोरो सात पे मैं चिल्लाई टू पे मैं चिल दुपे और ब्यूटे नोइक अम्ल ब्यूटे नोइक अम्ल मेथ एथ प्रोप ब्यूट और होगा सी डब्ल्यू एच ब्यूटे को अम्ल होगा दो पे क्लोरो है और दो पे क्या है एक एल की लगा कर लेते हैं फिर क्लास को करते हैं लिखते हैं टू क्लोरो टू मेथिल हेक्सेन लिख लेते हैं हेक्सेन मेथ एक प्रोब्यूट पेंट हेक्स हो गया दो चार पाँच और एक दो पे क्लोरो लगा दो पे मेथिल लगा दो हो गया है कि नहीं। चलिए आप मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ तीन मेथिल पेंटेन थ्रियाल तीन मेथिल पेंटेन थ्री आल का बनाइए आप लोग पेंटेन है एक दो तीन चार और ये पाँच छह गो दो चार पाँच गो तीन पे मेथिल है एक दो तीन तीन पे मेथिल है और तीन पे क्या है देते हैं बारी को विराम और जय हिंद जय हिंदुस्तान नारा लगा तो